महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही राज्यों में चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और अब इंतजार है तो परिणाम आने का। वहीं महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के सभी एग्जिट पोल्स इस बात को लेकर एकमत है कि बीजेपी शानदार तरीकों से दोनों राज्यों में वापसी कर रही है। 24 अक्टूबर को नतीजे क्या आएंगे वो तो 24 अक्टूबर को ही पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल्स के जो मत है उनको लेकर यही बात हो रही है कि एग्जिट पोल्स के मुताबिक जो है दोनों राज्यों में बीजेपी की शानदार वापसी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को नतीजे यही रहते हैं तो बीजेपी के लिए इन दोनों राज्यों में ये लगातार पहली जीत होगी, जबकि एक समय इन राज्यों में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी प्रमुख विपक्षी दल कोई कमाल नहीं दिखा पाया। एग्जिट पोल्स की माने तो महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना को संयुक्त रूप से 166 से 144 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं 90 सीटों वाले हरियाणा में बीजेपी के खाते में 75 सीटें जाती दिख रही हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी अलायंस का प्रदर्शन राज्य के पश्चिमी हिस्से में थोड़ा ठीक दिख रहा है, लेकिन यहाँ भी भगवा पार्टियों ने अपनी स्थिति में सुधार किया है। कई प्रभावशाली मराठा नेताओं के बीजेपी और शिवसेना में आने से अलायंस और भी मजबूत हुआ है। बता दें आपको कि हरियाणा में एग्जिट पोल्स ही नतीजों में तब्दील होते हैं, तो राज्यों में ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि चौटाला के दोनों धड़ों और बीएसपी जैसे प्लेयर्स हाशिए पर आ जाएंगे। नतीजे से साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की साफ सुथरी छवि कृषि, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और भर्तियों में पारदर्शिता की पहल को जनता ने स्वीकार किया है या नहीं, ये सारी बातें नतीजों से साफ हो जाएगा। एग्जिट पोल्स में कुछ त्रुटियों की भी गुंजाइश रहती है। बहरहाल इन अनुमानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष व गृह मंत्री अमित शाह काफी खुश होंगे, क्योंकि इनसे संकेत मिल रहे हैं कि सुस्त अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष के कैंपेन का जनता पर कोई असर नहीं हुआ है। विपक्ष ने नौकरियों के जाने कई सेक्टरों में निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। बता दें आपको कि इन विधानसभा चुनावों में राष्ट्रवादी भावनाएं हावी रही हैं और बीजेपी ने आर्टिकल 370 एनआरसी और पाकिस्तान जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। बता दें आपको कि बीजेपी की जीत से दोनों राज्यों में महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और हरियाणा के खट्टर के नेतृत्व पर भी मुहर लग जाएगी, जिन पर केंद्रीय नेतृत्व में ने फिर से भरोसा जताया था। और खास बात तो यह है कि इस जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेट्स को खत्म करने का विरोध कर रही कांग्रेस के खिलाफ और पाकिस्तान के मुद्दे पर बीजेपी एक बेहतर स्थिति में आ जाएगी। दरअसल 370 के फैसले के बाद यह पहला चुनाव है और जीत से जनता की मुहर भी लग जाएगी। इसी का पानी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे, पड़ोसी मुल्क ने इसे आक्रामक कृत्य करार दिया है। वहीं आपको बता दें कि एग्जिट पोल्स के नतीजे कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा देंगे। लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार और राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से पार्टी को नेतृत्व संकट से जूझना पड़ा। आंतरिक कलह दल बदल के बीच राफेल जैसे मुद्दों को फिर से हवा देना लोकसभा की तरह इस चुनाव में भी कांग्रेस के काम नहीं आया। इतना ही नहीं, दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बढ़ा देंगे कि वो जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार के स्टैंड का विरोध ना करे और जनता की भावनाओं के हिसाब से अपना रुख तय करे। बता दें आपको कि 24 अक्टूबर को महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही राज्यों में नतीजे घोषित किए जाएंगे और इसके साथ ही ये नतीजा जब आएगा तो देखना दिलचस्प होगा कि किसकी जीत होती है और किसे हार का सामना करना पड़ता है। SPN 9 न्यूज़ रूम से श्रुति की रिपोर्ट।